मॉर्निंग एवरीवन, एके स्टडी पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2020। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में किसने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा तैयार किया है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT गांधीनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। और IIT बॉम्बे का जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है और IIT बॉम्बे के निदेशक हैं सुभाषिस चौधरी। और इसमें जो है मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को जो है खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक। और ये जो है MHRD मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हरसिमरत कौर बादल, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरसिमरत कौर बादल। नेक्स्ट, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 3.1%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 4.5%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3.1%। और वित्त वर्ष 2021 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। और चीन जो है मात्र एक ऐसा वित्त वर्ष 2020 में जो है 1% की दर से वृद्धि करने वाला G20 देश होगा। और वित्त वर्ष 2021 में जो है चीन की जो वृद्धि दर रहेगी वो रहेगी 7.1%। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक। इसके अंतर्गत जो है माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को जो है 10 लाख रुपये वित्तीय सहायता की जाएगी। और कर्नाटक बैंक के जो MD और CEO हैं वह है महाबलेश्वर MS। नेक्स्ट, हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी टी रविशंकर, ऑप्शन सी डॉक्टर N राजेंद्रन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी TB रविशंकर। और IFTAS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई के महाराष्ट्र में है। और इसके साथ जो है इस संगठन ने जो है अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया है, वो है डॉक्टर N राजेंद्रन। हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ वो कौन थे? ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पत्रकार व नेता। वो जो है 1984 से 1990 में दिल्ली से राज्यसभा में सांसद रहे थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। और राजस्थान के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वह हैं अशोक गहलोत और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं कलराज मिश्र। और इस योजना के लक्ष्य जो है यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। और इस योजना के तहत जो है ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर जो है शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार जो है प्रदान किया जाएगा। और इस योजना पर जो है राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ खर्च करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु।
तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी ने तमिलनाडु के नमक्कल में इसका उद्घाटन किया है और इस प्लांट को जो है 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और यह नया संयंत्र में जो है प्रतिदिन 15 टन CBG और प्रतिदिन 20 टन जैव खाद बनाया जाएगा। और अभी जो मुख्यमंत्री के अभी जो वहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ वो कौन थी? ऑप्शन ए पूर्व निशानेबाज, ऑप्शन बी पूर्व बॉक्सर, ऑप्शन सी पूर्व क्रिकेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व निशानेबाज। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को कहाँ के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 जून। और 23 जून को ही जो है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी जो है 23 जून को मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह है USA के न्यूयॉर्क में और इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसके जो अभी महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। और ये जो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और इसमें जो है दो फिल्में की जाएगी। जो पहला है माई घाट क्राइम नंबर 103/200 जो मराठी है और दूसरा जो है हेल्लारो है वो गुजराती है। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड अस्पतालों में PM केयर्स फंड द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 3000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2000। नेक्स्ट, हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है ये किस देश में है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। तो ये थे गाइस आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर गाइस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।